शिवजी को पानी चढ़ाने जा रही हूँ और मैं ना ये पानी इसलिए रखू, मैं कुछ बना रही थी स्माइली फेस, और ये तो आप मैं आपको शिव जी को पानी चढ़ाते हुए दिखूंगी। शिव जी को चढ़ाओगे या सूर्य भगवान को दोगे? सूर्य भगवान को भी होंगे। अच्छा जी, ऐसा कौन कहता है? सूर्य भगवान शिवजी भी तो होते हैं। आज पता नहीं भाई मेरी बेटी के मन में क्या आया भाई, तो ये पानी चढ़ा रही थी शिवजी पे और सूर्य भगवान को थोड़ा सुपर एंड करके। ऐसे से काम अगर आप डेली करने लग जाओ तो अरे पानी में से वापिस नहीं आते। चलो अब भाई उल्टा काम कर दिया आपने तो भाई। तो दोस्तों अब मैं चला के आ जाती हूँ, आ जाओ तो मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ। आपने हमारा किचन देखा हुआ मम्मी? आ जाओ, हम ये सिलवाले आप देख सकते हैं। देखिए मैं स्माइली फेस बना रही थी, मैं बना रही स्माइली फेस, ये पेन मैंने सर को बना दी है। पास से दिखो, ये देखिए, ये मेरे थोड़े से सर्कल गलत हो गए थे इसलिए मैंने इस पे काफी मार दिए। तो दियो मम्मी। गाइस हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। हेलो, देखो दिव्यांशी को अभी मैं इसको तैयार कर रही हूँ, मैं पागल, क्योंकि अभी हम कीर्तन में जाएंगे मंदिर में। अभी प्रॉपरली मैंने इसको तैयार नहीं किया, ये हैप्पी हूँ और मैं इसकी तैयारी में अभी लगी हुई हूँ। अब दिखाती हूँ आपको हमारा कैसे सामान गिरा हुआ है। देखिए हमारे बेड की हालत, ये इसकी ड्रेसेस पड़ी हुई है इधर, सब कुछ ऐसे बिखरा हुआ है। और मैं अभी इसको रेडी, अभी इसको रेडी करके थोड़ी देर में मिलती हूँ, फिर आपसे पूरा व्लॉग देखना लास्ट तक। हमारी राधा रानी रेडी हो गई है, कमेंट में बताना जरूर कैसी लग रही थी। हम लोग हो गए हैं रेडी जाने के लिए। ये है आज का लुक मेरा। और ये मम्मी होगी रेडी, और ये सारे बच्चे देखो। तो अब चलते हैं। बाय दोस्तों। तो गाइज यहाँ पे हम सब लोग पहुँच गए थे मंदिर, यहाँ पे कीर्तन चल रहा था, भजन चल रहे थे और म्यूज़िक की साउंड थी, इसलिए फिर आप लोगों को पता ही है कि साउंड ऑफ करनी पड़ती है, नहीं तो फिर कॉपीराइट आ जाता है और कई बार वीडियो फिर डलती ही नहीं है। तो यहाँ पे ये देखो कृष्ण भगवान और सभी सारा मंदिर कैसे कितने अच्छे तरीके से सजा रखा है। तो मैं हर साल जितने भी मंदिर होते हैं रोहतक में, हर सभी मंदिर में जाती हूँ, बिल्कुल सभी मंदिरों को देख के आती हूँ कि क्या कुछ है। तो जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे आगे आपको अलग अलग व्यूज़ दिखेंगे कि ये दूसरा मंदिर है, वो दूसरा मंदिर है। तो क्योंकि जितने मंदिर होते हैं, मैंने बताया है कि मैं सभी मंदिरों में जाती हूँ, फिर सभी में कीर्तन होते हैं, मेला भी लगता है बहुत बड़ा। तो आप व्लॉग को पूरा देखना और कमेंट में बताना कि मेरी बेटी कैसी लग रही थी। और यहाँ पे ये देखो अंदर गई थी कान्हा जी के पास और इसको ना कान्हा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको है ना कान्हा बहुत पसंद है और ये ऐसे कहती रहती है मम्मी मेरे को कान्हा दिला दो, कान्हा दिला दो। मैं बोली बेटा उसकी ना बहुत ज़्यादा वो करनी पड़ती है, उसको रखना पड़ता है बच्चे की तरह। तो कहती है मम्मी मैं रख लूँगी, देखभाल कर लूँगी, उसकी खाना भी खिला लूँगी, नहला भी दूँगी। तो अभी बच्ची है इसको पता नहीं है, बट इसको शौक बहुत है कान्हा का।
तो ये बार बार कहती रहती है। फिर मैं इसको हर साल राधा बनाती हूँ, देखो कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पंडित जी राधा रानी के साथ अब पिक्स ले रहे थे और मैं क्लिक कर रही थी, और ऐसे बहुत से थे जो बोले एक बार पिक लेनी है राधा के साथ है तो मैं कर ले लो। तो गाइस वीडियो तो और भी हैं, बहुत ज़्यादा है तो फिर व्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो इसीलिए फिर मैंने ये आज 10 ही मिनट का डाला है, तो आगे फिर डालूंगी मैं, क्योंकि कीर्तन का भी है डांस का भी है, फिर वो एक दिन फिर से डालूंगी, तो इसलिए आज मैंने जो मेन मेन था छोटा छोटा सा वही डाल रखा है। You say